नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल संध्या ह्यूमनिस्ट में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूँ। 200 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 200 करोड़ की लागत से स्थापित होंगे 5 और दुग्ध उत्पादन कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, रायबरेली, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज और लखनऊ में होगी स्थापना। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जारी की है धनराशि। जी हाँ दोस्तों, 200 करोड़, जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में बुंदेलखंड से संचालित वैलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की सफलता और काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के प्रति महिला किसानों के रुझान को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत की है। जी हां दोस्तों, महिला सामर्थ्य योजना की इसके लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि जो है बांटी गई थी। प्रदेश में 5 और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों की स्थापना की गई है। सरकार ने इस योजना से प्रदेश की महिलाओं जहां आत्मनिर्भर होंगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जी हां दोस्तों, अगले 5 वर्षों में रोजाना 5 लाख लीटर दूध संकलन का लक्ष्य बनाया गया है। जी हां दोस्तों, इस योजना के तहत रायबरेली, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज और लखनऊ में 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना का लक्ष्य है। इन 7 कंपनियों वालनी और काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी समेत अगले 5 वर्षों में रोजाना करीब 15 लाख लीटर दूध की संकलन का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में तकनीकी सहायता के लिए राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अनुसंगी संस्था डीबी डेयरी सर्विसेज के साथ अनुबंधन किया है। रायबरेली और गोरखपुर में फरवरी से शुरू हो जाएगा दूध संकलन। जी हाँ दोस्तों, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक भानुचंद गोस्वामी जी ने बताया कि प्रदेश के रायबरेली और गोरखपुर में मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना हो चुकी है। वहीं बरेली में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि रायबरेली में स्थापित सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी और गोरखपुर में स्थापित श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की फरवरी में संचालन के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इन दोनों कंपनियों के शुरू होने से रायबरेली के आसपास के 7 जिलों रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, फतेहपुर, कानपुर नगर और प्रतापगढ़ और गोरखपुर के आसपास के 4 जिलों गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर के 1 लाख से अधिक महिला किसानों को संगठित दुग्ध व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। जी हां दोस्तों, प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी यह योजना। निदेशक ने बताया है कि बरेली में स्थापित होने वाली की मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के 6 जिलों बरेली, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, खीरी और सीतापुर 1000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रयागराज और लखनऊ के आसपास के जिलों को इस योजना से जोड़ने के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज से डीपीआर के लिए अनुरोध किया गया और दिसंबर तक इसके लिए स्वीकृत प्राप्त हो जाएगी। इन 5 नई कंपनियों के साथ साथ पूर्व में निगमित 2 कंपनियां मिलकर अगले 5 वर्षों में रोजाना करीब 15 लाख लीटर दूध का संकलन करेंगे। इससे जहां प्रदेश के ग्रामीण महिलाएं सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होंगी, वहीं इससे प्रदेश की आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महिला सामर्थ्य योजना आदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये रही वीडियो जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह
5 कंपनियां खोली जा रही हैं दुग्ध उत्पादन की। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह महिलाएं जो महिलाएं इसमें कार्य करेंगी वह अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ अपने परिवार का जो है देखभाल भी अच्छे से कर सकेंगी। जी हाँ दोस्तों, और यह महिलाओं के लिए सुनहरा मौका है। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।